everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to eVidyarthi.in. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो हर केस में हमें कोई ना कोई पॉलिनोमियल गिवन है और क्या बताया गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर टू इट. ठीक है, सो वी हैव द पॉलिनोमियल और हमें फैक्टर गिवन है. अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा काम आता है वो ये कि हमें अपना फैक्टर थ्योरम पता होना चाहिए. फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि सपोज आपके पास पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है और उसमें से अगर आपने x माइनस 1 उसका फैक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इससे मैच करो कि a अगर आपका x माइनस 1 इज अ फैक्टर, यानी कि यहाँ पर x माइनस 1 इज अ फैक्टर. ठीक है, सो आपका pa इज इक्वल टू 0 होगा. यानी कि अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर टू द पॉलिनोमियल px, देन बाय द फैक्टर थ्योरम वी नो कि p मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल में जब हम a की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर आपका a कौन प्ले कर रहा है, 1 है यहाँ पर. तो हम सिंपली जानते हैं, हम जान गए हैं इस थ्योरम को देखते हुए कि हमारा जो a है यहाँ पर वो क्या होगा, 1 होगा. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली पुट p 1. ठीक है, सो हमें क्या करना है, आप इसे ऐसे प्रोसीड कर सकते हो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि ये हमारा एक फैक्टर है ऑफ पॉलिनोमियल px. ठीक है, ये आपको नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है. आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो अपने क्वेश्चन को कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर विच इम्प्लाइज कि हमारा जो p 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. फाइन, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल में 1 को पुट कर देंगे. ठीक है, किसकी जगह पे, x के प्लेस पे. तो यहाँ हमारा पॉलिनोमियल है, अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. नाउ सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं इसको आगे यहाँ पे प्रोसीड करती हूँ, इधर कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. देन अगर मुझे k की यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो k वुड बी इक्वल्स टू माइनस 2. कैसे किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, अगर हमारे इक्वल्स टू की दूसरी ओर जाता है तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है. दैट इज वाई वी हैव k की वैल्यू एज इक्वल्स टू माइनस 2. ठीक है, सो चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की ओर. चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट क्या है. इसमें वी हैव द पॉलिनोमियल एज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2. ठीक है, अगेन सेम चीज इम्प्लाई होती है, फैक्टर थ्योरम के द्वारा हमने क्या सीखा है, वी हैव द पॉलिनोमियल, वी हैव द फैक्टर आल्सो, एंड देन अगर ये पॉसिबल है सो हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि पी ए इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली यहाँ पर बिल्कुल पहले पार्ट की तरह इम्प्लाई करने वाले हैं हम, क्या होगा, वी नो x माइनस 1 इज अ फैक्टर विच इम्प्लाइज कि हमारा जो p 1 होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, वही मैं पुट कर रही हूँ. सो वी हैव द पॉलिनोमियल एज 2 देन 1 का स्क्वायर प्लस k इनटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर तो हमारा 2 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1, अब लिखने की भी वैसे जरूरत नहीं है, सो सिंपली इसको हम 2 लिखेंगे. ठीक है, देन वी हैव k मल्टीप्लाई बाय 1, k हो जाएगा प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. तो अब हमारे पास हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है उसके लिए, दोनों जो हमारे नंबर्स वाले टर्म है उसको इक्वल्स टू की दूसरी ओर ले जाएंगे. ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं, k वुड बी इक्वल्स टू ये माइनस 2 हो जाएगा, देन वी हैव माइनस रूट 2. ठीक है, दोनों ही माइनस वाले हो गए हैं, सो क्या कर सकते हैं इसकी जगह पे, यहाँ देखो k इज इक्वल्स टू माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, वी हैव 2 प्लस रूट 2. ठीक है, इस
तरीके से। सो अब ये क्या हो सकता है, सो वी गॉट दी आंसर। अब कुछ इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, चाहते तो हम यहाँ से रूट टू को भी कॉमन ले सकते थे, देन एक जगह वन आ जाता, एक जगह एक रूट टू आ जाता, ठीक है। बट उतना भी करने की हमें नीड नहीं है, वी हैव टू ओनली फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। उसको सिंप्लीफाई करने का टर्म हमें नहीं बोला गया है, सो हम क्या करेंगे, अपना के का वैल्यू निकाल देंगे। व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपली टेकन दी माइनस वन एज दी कॉमन वन, ठीक है, एंड देन वी गॉट दी वैल्यू ऑफ के एज माइनस देन ब्रैकेट टू प्लस रूट टू, ठीक है। सो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आया हो। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अनदर पार्ट। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।